कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठ ही लगता है। आज जिस विषय पर हम ये वीडियो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी शुरुआत करने के लिए रोज की तरह मुझे इसके लिए भूमिका बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा सुन ही रहे होंगे। मैंने भी सुना, सुना क्या, दिल से महसूस किया। अब चूंकि ये विषय राजनीति से लेकर सिनेमा जगत तक को भी अपने आगोश में ले रहा है, तो नारा टीवी का भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने दर्शकों से इस विषय पर चर्चा करें और हमारे नजरिए से इस विषय वस्तु के ज्ञात अज्ञात तथ्यों को आपके सामने रखें। कश्मीर, कश्मीरी पंडित, अलगाववादी, JNU, धारा 370, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर आए दिन मीडिया में सुनते ही रहते हैं। लेकिन ये सारे शब्द जब इकट्ठा होते हैं तो एक ऐसे इतिहास का शक्ल ले लेते हैं जिसमें भयानक पीड़ा, बर्बरता, बेबसी और इंसानियत को तार तार कर देने वाली गाथा छिपी है, जिसे एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। आप में से बहुतों ने फिल्म देख ली होगी, कुछ लोग देखने का मन बना रहे होंगे और कुछ लोग बिना देखे ही अपनी अपनी धारणा बना लिए होंगे। मैंने भी ये फिल्म देखी, नारद टीवी की टीम ने ये फिल्म देखी, फिर सोचा गया इस पर बात तो होनी ही चाहिए। हम सब ने अपनी अपनी तरफ से कुछ खोजबीन की और उस खोजबीन में से कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रख रहे हैं जिसे आप फिल्म देखने के बाद इंटरनेट पर जरूर ढूंढेंगे। विवेक अग्निहोत्री एक ऐसे फिल्मकार जिनकी फिल्मों में कपोल कल्पना से ज्यादा वास्तविक तथ्य सामने रखे जाते हैं, जिनकी फिल्में चीख चीख कर सच्चाई बयां करती हैं। कश्मीर फाइल्स को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम खुद उस कलंकित इतिहास को जी रहे हैं। फिल्म के कुछ किरदारों को देखने के बाद आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा कि ये बर्बरता जिन पर बीती या इस बर्बरता को अंजाम देने वाले वास्तविक किरदार कौन हैं? तो आइए एक नजर डालते हैं कश्मीर फाइल्स के उन गुनाहगारों और जिन पर ये बीती उन बेबस कश्मीरियों पर। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे क्रूर किरदार फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे की। फिल्म ने इस किरदार को निभाया है चिन्मय मंडलेकर ने। फिल्म के एक सीन में जब पत्रकार बने अभिनेता अतुल श्रीवास्तव बिट्टा से पूछते हैं कि तुमने कितने लोगों को मारा है, जिसके जवाब में बिट्टा कहता है 20-25। अगर उसे अपने सगे भाई या माँ को मारने के लिए कहा जाता तो वो क्या करता? जवाब में बिट्टा कहता है हाँ, मार देता। आप में से बहुत से लोगों ने बिट्टा के इस रियल इंटरव्यू को इंटरनेट पर देख भी लिया होगा। बिट्टा ने इस इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसने कैसे 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, कितने लोगों का कत्ल करने वाला बिट्टा, जिसने अपना गुनाह खुद कबूल किया था, आज भी सरेआम आजाद घूम रहा है और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। आज तक के YouTube चैनल पर आपको बिट्टा का 4 साल पुराना इंटरव्यू भी मिल जाएगा। हालांकि फिल्म के दूसरे कुछ दृश्यों को देखकर ऐसा भी लगेगा कि बिट्टा का किरदार अलगाववादी नेता यासीन मलिक से भी प्रेरित है। बात करते हैं फिल्म के एक और किरदार राधिका मेनन की, और इस किरदार को निभाया है अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने, जो कि रियल लाइफ में विवेक अग्निहोत्री की पत्नी भी है। हालांकि ये दावा हम मीडिया तथ्यों के आधार पर ही कर रहे हैं कि रियल लाइफ में ये किरदार प्रेरित है JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन से। जैसा कि आपको पता होगा कि JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने हमेशा कश्मीर को भारत से अलग माना है। कई बार उनके लीडरशिप में फ्री कश्मीर के कैंपेन चले हैं। वह कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाती हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना को फेक प्रोपेगेंडा कहती हैं। निवेदिता मेनन ने एक बार कहा था कि हिंदू इस दुनिया का सबसे ज्यादा हिंसा करने वाला समाज है। आगे बात करते हैं फिल्म के एक और पात्र शारदा पंडित की, जिसे फिल्म में निभाया है अभिनेत्री भाषा शुमली ने। फिल्म के अंत में एक दृश्य है जहां टेरेश भीड़ में ही उसके ससुर और 8 साल के बच्चे के सामने शारदा के कपड़े फाड़ देता है और लकड़ी चीरने वाली मशीन में रखकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। असल में जिस महिला के साथ ये दर्दनाक घटना अंजाम दी गई थी, उनका नाम था गिरजा कुमारी टिक्कू। सुनंदा विशिष्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरजा टिक्कू नाम की कश्मीरी महिला थी जो सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर जम्मू जाने लगे तो गिरजा भी जम्मू चली गई। लेकिन अचानक जून 1990 को उनके पास एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि कश्मीर के हालात अब सुधर गए हैं, आप स्कूल आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए और अपना बचा हुआ वेतन भी ले लीजिए। इसके बाद गिरजा स्कूल से वेतन लेकर अपने मुस्लिम दोस्त के घर जाकर रुक गई, लेकिन वहां से उन्हें किडनैप कर लिया गया। लगभग 1 महीने बाद उनकी बॉडी 2 हिस्सों में सड़क के किनारे मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया गया कि उनके साथ काफी दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया और जिंदा ही उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। करीब 30 साल बाद गिरजा टिक्कू का परिवार सामने आया और उन्होंने अपनी सच्चाई लोगों के सामने बयां की। फिल्म के एक और दृश्य की बात करते हैं जिसमें करण पंडित नाम के किरदार को आतंकवादियों द्वारा चावल के कंटेनर में गोलियों से भून दिया जाता है और उस खून से सने चावल को उसकी पत्नी यानी शारदा पंडित को खिलाया जाता है। फिल्म में करण पंडित के किरदार को निभाया है अभिनेता अमान इकबाल ने। फिल्म के सीन को भी एक सच्ची घटना से उठाया गया है। जानी मानी लेखिका सुनंदा वशिष्ठ ने अमेरिका में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इस घटना का जिक्र किया था, जिसमें ये बताया गया था कि 22 मार्च 1990 को BK गंजू नाम के कश्मीरी पंडित के घर में आतंकी उनके पड़ोसी की मदद से घुस गए और इस बात का पता चलते ही कि BK गंजू चावल के कंटेनर में छुपे हैं, आतंकियों ने
उन्हें उसी कंटेनर में मार दिया और खून से सने चावल जबरन उनकी पत्नी को खिलाया। फिल्म के एक दृश्य में वायुसेना के अधिकारियों को सरेरा गोलियों से भून दिया जाता है। यह दृश्य भी वास्तविक घटना से प्रेरित है। 25 जनवरी 1990 को कश्मीरी पहाड़ी के पास वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना और उनके साथ 4 और जवानों को आतंकवादियों ने सरेआम दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। इस बात का ब्यौरा उन्हीं की पत्नी मेसर निर्मल खन्ना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा फिल्म में दिखाए गए वायुसेना अधिकारी शहीद रवि खन्ना की हत्या को लेकर जो तथ्य हैं रियल इंसिडेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि फिल्म में शहीद रवि खन्ना जी की हत्या को बहुत ही अलग ढंग से पेश किया गया है। और इसलिए श्रीमती खन्ना को इस बात पर एतराज है कि विवेक जी ने उनसे इस तथ्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं ली। इसके बावजूद श्रीमती खन्ना ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के काम की प्रशंसा भी की। अब हो सकता है कि सेंसर बोर्ड की बाध्यता की वजह से विवेक ने यह दृश्य अलग तरीके से दिखाया हो। अभिनेता अमित बहल ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का किरदार निभाया है, जिसमें उन्हें कहते हुए दिखाया गया है कि ये कश्मीर हमारा है, यहाँ का संविधान हमारा है, इसलिए हम केवल वही करेंगे जो हमारे लोग चाहते हैं। अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें एक बात आप जरूर गौर करेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं ने 32 साल पहले से ही आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार से बहुत गुहार लगाई थी। फिल्म में अनुपम खेर अपने पुष्करनाथ की भूमिका में एक बैनर लिए घूमते हैं जिसमें रिमूव आर्टिकल 370 लिखा होता है। फैक्ट की बात कि फिल्म में पुष्करनाथ का किरदार अनुपम खेर के पिता के नाम पर है, लेकिन ये किरदार उनके पिता के जीवन से प्रेरित नहीं है। अब बहुत से लोग इस फिल्म को राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तौर पर देखते हैं और ये कहते हैं कि ये फिल्म हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच के आपसी सद्भाव को बिगाड़ सकती है। उन सबके लिए केवल एक ही संदेश है कि अक्सर लोग सच्चाई से आंखें चुराते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आप इस नजरिए से मत देखिए कि कश्मीर में हिंदू मरा या मुस्लिम, वहाँ पर तो इंसानियत की सरेआम हत्या हुई और इस नरसंहार के वो सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने चुपचाप रहकर केवल तमाशा देखा। ध्यान रहे, आतंकवादियों की गोली किसी का मजहब पूछकर नहीं चलती। और कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है, हमारी तारीफ कीजिए, कोशिए या गालियां दीजिए, लेकिन सच बयां करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। हमें कामना करते हैं कि देश दुनिया में शांति बनी रहे और फिर कश्मीर जैसे हालात कभी पैदा ना हों।